हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरिजीएस। आज इस वीडियो में हम स्पीडी अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और यह वीडियो एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, पुलिस आदि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। इस बुक में टोटल 35 टॉपिक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आज हमारा पहला टॉपिक है कौन, कहाँ, क्या। तो हमारा ये पहला टॉपिक है करंट अफेयर, कौन, कहाँ, क्या। तो इसमें पहला है कौन, कहाँ, क्या के अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, और ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और यह 15वें प्रधानमंत्री हैं। न्यायिक प्रमुख में दिया गया है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के शरद अरविंद बोबडे, 47 में है ये। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये हैं आदर्श कुमार गोयल। संसद प्रमुख कौन कौन है, सभापति हैं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू, उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव हैं देश दीपक वर्मा, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा के मल्लिका अर्जुन खड़गे, और नेता सत्ता पक्ष के हैं राज्यसभा में थावर चंद गहलोत। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, और ये 17वें अध्यक्ष हैं। और लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। महासचिव कौन है लोकसभा के, उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी, सुनील अरोड़ा, और ये 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ये 23वें हैं। लेकिन अब करंट अफेयर में 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं सुशील चंद्र बने हैं, और ये हैं 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, सुनील अरोड़ा अब नहीं है। नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त कौन है इस समय, राजीव कुमार, सुशील चंद्र। उपचुनाव आयुक्त कौन है, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये 14वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रक सोमा राय वर्मन। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से हैं, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं रामनाथ कोविंद हैं। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया 26वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह 24वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के हैं। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं, बिपिन रावत। ये इम्पोर्टेंट है, पहले हैं तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। महानिदेशक सैन्य संचालक कौन है, ले जनरल परमजीत सिंह। सचिव व सलाहकार देख लेते हैं, कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गाबा। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पी के मिश्रा। रक्षा सचिव गार्गी कौल, और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, और ये 33वें नंबर के। गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला, और वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। रक्षा सचिव अजय कुमार। राजस्व सचिव तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हैं एस एम सुब्रमण्यम। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन, और मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम डेली न्यूज़पेपर में अक्सर आते रहते हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं,
केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन हैं? संजय कोठारी। सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन हैं? मुख्य सुरेश एन पटेल। अंतरिम निदेशक सीबीआई के कौन हैं? प्रवीण सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? यश वर्धन कुमार सिन्हा। प्रमुख कौन हैं आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के? अरविंद कुमार। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के कौन हैं? प्रमुख सामंत गोयल हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी योगेंद्र चंद्र मोदी हैं। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के ईडी के कौन हैं? संजय कुमार मिश्रा। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं। महानिदेशक एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? कुमार राजेंद्र चंद। बीएसएफ के कौन हैं? महानिदेशक राकेश अस्थाना। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के सुबोध कुमार जायसवाल। महानिदेशक एनएसजी के कौन हैं? एम ए गणपति। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख कौन हैं? निदेशक अरुण कुमार सिन्हा। आईटीबीपी के प्रमुख महानिदेशक कौन हैं? मनोज सिंह रावत। और यहाँ एनसीसी के महानिदेशक तरुण कुमार आईज हैं। इसके बाद है भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के नटराजन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के प्रमुख सत्यनारायण प्रधान। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के प्रमुख कौन हैं? अरुण कुमार। असम राइफल्स सुखदीप सांगवान। और होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन हैं? सत्यनारायण प्रधान। प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष व सचिव देख लेते हैं। नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग ब्रज राज शर्मा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। और एससी के शंकर राम शंकर कठेरिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच एल दत्तू। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानून गो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद घयारुल हसन रिजवी हैं। अब देख लेते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके कुछ अध्यक्ष। तो यहाँ पर है पहला सीईओ एवं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के सुनीत शर्मा हैं। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ हैं रविंद्र भाकर। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं राजीव जलोटा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। सीबीआईसी केंद्रीय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं वर्षा जोशी। और कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार। अध्यक्ष हैं यहाँ पर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के दिनेश के सर्राफ। भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के
अध्यक्ष कौन है? पीडी वाघेड़ा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष सीईओ हैं सौरभ गर्ग और भारतीय भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। महारत्न कंपनियों टोटल 10 हैं, इनके प्रमुख देख लेते हैं। एनटीपीसी के निदेशक हैं गुरदीप सिंह। ONGC के निदेशक हैं सुभाष कुमार। सेल के निदेशक हैं सोमा टंडन। फुल नेम यहाँ पर इधर लिखा गया है, आप खुद से देख सकते हैं। गेल के निदेशक कौन है? मनोज जैन। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक प्रमोद अग्रवाल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के निदेशक कौन है? के पद्माकर। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के निदेशक कौन है? नलिन सिंघल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक कौन है? MK सुराना। और यहाँ पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कंदिकुप्पा श्रीकांत। अब देख लेते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD कौन कौन से हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक हैं PK पुरवार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अनुज अग्रवाल। भारतीय पर्यटन विकास निगम के निदेशक हैं कमल वर्धन राव। और महानगर टेलीफोन निगर लिमिटेड के निदेशक हैं सुनील कुमार। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक हैं PK गुप्ता। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं JC नकारा। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं श्रीधर पात्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं सुशील चंद्र मिश्र। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक हैं MV गौतमा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक हैं R माधवन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक सुमित देव हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक रविंदर सिंह ढिल्लन हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक हैं PK रथ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं हरदीप कौर जोशी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक हैं संजय मल्होत्रा। नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड राकेश कुमार इसके निदेशक हैं। अब कुछ शिक्षण संस्थान हैं, उन अकादमियों के प्रमुख देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष हैं धीरेंद्र पाल सिंह। कुलपति हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश कुमार त्यागी। जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति M जगदीश कुमार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राकेश भटनागर। नालंदा के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं डॉक्टर विजय भाटकर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुनैना सिंह। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के NCERT के निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कांबर। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पचरने। प्रेस व मीडिया के प्रमुख देख लेते हैं। अध्यक्ष हैं प्रसार भारती बोर्ड के डॉक्टर A सुरेश प्रकाश। प्रसार भारती बोर्ड के CEO हैं शशि शेखर वेम्पति।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। आकाशवाणी के महानिदेशक हैं जयदीप भटनागर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विश्वास त्रिपाठी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं शैलेश गुप्ता। कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान व संगठन के प्रमुख देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं जी नागेश्वर राव। परमाणु भाभा अनुसंधान के केंद्र के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। और DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं शेखर मंडे। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं टी रामास्वामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं एस सोमनाथ। अब हम खेल संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं ग्रेग पार्कले, न्यूजीलैंड के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO हैं मनु साहनी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC हैं इंदिरा नूरी नुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और ये 39वें नंबर के हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO हैं हेमांग अमीन। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन। महानिदेशक हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं अनिल जैन। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। और अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोमबाम। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आदिले सुमरीवाला। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरिंदर बत्रा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाघ और ये जर्मनी के हैं। थॉमस बॉक जर्मनी से हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबास्टियन को, ब्रिटेन से हैं ये। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हिमांता विश्व शर्मा। फीफा के अध्यक्ष कौन हैं जियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं माइकल ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरिंदर बत्रा और ये भारत के हैं। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जेना वोल्ड्रीज, इंग्लैंड से हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं एनिका सारेन स्टेम, स्वीडन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव, रूस से हैं ये। बीमा संस्थानों के प्रमुख देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। तो ये पहला है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडाई। इरडाई कहते हैं इसमें आई भी ऐड होता है। इरडाई के अध्यक्ष हैं इस समय सुभाष चंद्र खुंतिया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक हैं सिद्धार्थ मोहंती। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ के अध्यक्ष हैं देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं अतुल सहाय।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं एन एस राजेश्वरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं गिरीश राधा कृष्णन। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष हैं तजिंदर मुखर्जी। एमडी व सीईओ हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पीसी कांडपाल। एमडी एवं सीईओ एसबीआई लाइफ के हैं संजीव नौटियाल। अब हम देख लेते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख कौन कौन से हैं। तो फिक्की के महासचिव हैं दिलीप चिनाय। फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर। एसोचैम के अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल। एसोचैम के महासचिव हैं सौरभ सान्याल। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं उदय कोटक। इफ्को के अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह नकई। नासकॉम के चेयरमैन हैं यूवी प्रवीण राव और नासकॉम के प्रेसिडेंट हैं देवजनी घोष। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लियो पुरी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष हैं विक्रमजीत साहनी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान। बैंकों के प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक पहले है इसमें। RBI के गवर्नर हैं शशिकांत दास और ये 25वें नंबर के हैं। उप गवर्नर RBI के कौन हैं एम राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन। विभू प्रसाद कानूनगो माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये इतने लोग हैं उप गवर्नर हैं ये सभी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के हैं सुधा बाल कृष्ण। अब कुछ सार्वजनिक बैंक के प्रमुख MD CEO देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के CFO हैं चरणजीत सिंह अतरा। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकी रमन अश्विनी कुमार तिवारी अश्विनी भाटिया चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं CEO प्रमुख हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र AS राजीव। केनरा बैंक के हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के हैं पद्मजा चुंद्रू। इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पंजाब नेशनल बैंक के हैं SS मल्लिकार्जुन राव। पंजाब एंड सिंध बैंक S कृष्णन। यूको बैंक के प्रमुख हैं अतुल कुमार गोयल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं जी राज किरण राव। यहाँ पर नोट करके कुछ दिया गया है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया था। आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। और सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया था केनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। टोटल अब सार्वजनिक कितने बैंक हैं तो टोटल बैंक है अब सार्वजनिक 12 यानी सरकारी बैंक कितने हैं 12 बचे हैं। अब देख लेते हैं अब तक हमने देखा सरकारी बैंकों के प्रमुख को। अब हम देख रहे हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख व CEO कौन कौन से हैं। तो एक्सिस बैंक है ये निजी बैंक है तो इसके प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक। इन साइंस बैंक सुमन कथ पालिया। बैंक ऑफ वेस्ट नंदिता बक्सी। ICICI बैंक संदीप बक्सी। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। इसके बाद है IDFC फर्स्ट बैंक के प्रमुख हैं V वैद्यनाथन। इस बैंक के हैं प्रशांत कुमार।
सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख हैं एन कामा कोदी, भारतीय डाक भुगतान बैंक जे वेंकट रामू, धन लक्ष्मी बैंक के प्रमुख हैं जे के सिवन, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ हैं आर के छिब्बर, पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा, पेटीएम मनी के सीईओ हैं वरुण श्रीधर, अध्यक्ष हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सिडबी के, इसे सिडबी कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा, आईडीबीआई बैंक के सीईओ हैं राकेश शर्मा, सीईओ हैं भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक के सीईओ हैं, तो इसके सीईओ कौन हैं, डेविड रस क्वीना हैं एक्जिम बैंक के सीईओ। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजलू चिंतला, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं राज किरण राव, राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी हैं शारदा कुमार होटा, प्रशासक पीएमडी बैंक के हैं के ए के दीक्षित, एमडी एंड सीईओ हैं करुण वैश्य बैंक के कौन हैं, रमेश कुमार बोद्दू, अध्यक्ष हैं फेडरल बैंक के दिलीप सदरंगानी और सीईओ हैं फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन, एचडीएफसी लाइफ के सीईओ हैं विभा पडालकर, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के प्रमुख कौन है, मुरली एम नटराजन, भारतीय महिला बैंक के प्रमुख एम एस स्वाति। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। यहाँ पर कुछ रक्षा उपकरण दिए गए हैं और यह इस तरफ रक्षा उपकरण है, इसके बाद किस देश में उन्हें विकसित किया गया है और ये क्या है, तो ये अब देख लेते हैं हम। हेलिना है, ये भारत में विकसित है और यह क्या है, एक टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा बनाई गई है और ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 ये क्या है, डीआरडीओ व इसराइल के द्वारा विकसित किया गया है, इसे दोनों के द्वारा कंबाइंड रूप से, और ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। आईएनएस वेला फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये एक प्रकार की, आईएनएस वेला। राफेल है, फ्रांस में विकसित किया गया है, ये एक लड़ाकू विमान है। S-400 ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है और ये है एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाक यह भारत में विकसित किया गया है, पहला स्वदेशी है, ये एक रॉकेट है। INS कलवरी ये स्वदेशी निर्मित है, भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये, और ये INS बेला फ्रांस के द्वारा डेवलप की गई है और ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, लेकिन यह भारत की है स्वदेशी, स्वदेश निर्मित INS कलवरी ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका में डेवलप किया गया है, यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों व संगठनों के प्रमुख कौन कौन से हैं, तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, तो इसमें महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुतरेस और ये पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के, UNO अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं। अध्यक्ष हैं 75वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, 75वां सत्र इसका आयोजित किया जा चुका है और इसके अध्यक्ष कौन है, वोल्कर वोजकिर और ये टर्की के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, यहाँ पर ये जो नीचे दिया गया है ये सभी जो संगठन हैं ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला है विश्व बैंक और इसके 13वें अध्यक्ष कौन बने हैं, डेविड मलपास, ये अमेरिका के हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के अध्यक्ष कौन है, इल्हाम अलीगियो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टोलिना जार्जी एवा बुल्गारिया की हैं ये।
विश्व व्यापार संघ WTO के प्रमुख हैं नगोजू ओकोंजो इवेला। अंक टॉड के महासचिव हैं मुखिसा कितुयु, ये केन्या के हैं। और महानिदेशक हैं यूनेस्को के महानिदेशक हैं आद्रे ओजोले, ये फ्रांस के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डोग्यू, चीन के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गाय राइडर, यूके के हैं। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर, अमेरिका के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है इस समय, टेड्रोस अधानो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक कौन है, अचीम स्टेनर, ब्राजील जर्मनी से हैं। महासचिव हैं दचेस के, सार्क जिसे कहते हैं, इसके महासचिव हैं इसाला रूवन वीराकुन, और ये श्रीलंका के हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन देख लेते हैं। राष्ट्र मंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं पेट्रिसिया, स्कॉटलैंड के हैं ये, स्कॉटलैंड के डोमिनिका। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी के। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टीसे डकी, कांगो के हैं। महासचिव हैं तेल निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव हैं मोहम्मद ओपेक, इसे ओपेक कहते हैं, मोहम्मद सानूसी बरकिंदो, नाइजीरिया के हैं ये। नाटो के महासचिव हैं जिस स्टोल टेनबर्ग, नार्वे के हैं। आसियान के महासचिव हैं लीम जॉक होई, ब्रुनोई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अविनाश कुमार। इंडियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा, जापान के हैं ये। इसके बाद आता है इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गेन स्टॉक, जर्मनी के हैं ये। इंटरपोल के अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, दक्षिण कोरिया के हैं, नाम ही से समझ में आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा के प्रशासक हैं स्टीव जुरसिक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। और उच्च आयुक्त हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के, फिलिपो ग्राडी, और ये इटली के हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के अध्यक्ष हैं नज हज समीम खान, ये फिजी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं राफेल ग्रॉसी, अर्जेंटीना से हैं ये। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के MD और CEO हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां। भारत में एक साल के अंतर्गत कितनी राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां की गई हैं, तो पहला है इंदु मल्होत्रा, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज हैं ये ज्योति शर्मा। नूपुर कुल श्रेष्ठ प्रथम महिला DIG हैं भारतीय तट रक्षक बल की। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट्स इंजीनियर हैं। भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान की पायलट हैं ये। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस की ड्राइवर बनी हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। मोहना सिंह जीतरवाल ये हैं हॉकी एंड वॉस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट। हॉकी एंड वॉस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट हैं मोहना सिंह जीतरवाल। चंद्राणी मुर्मू हैं सबसे युवा सांसद। चंद्रिमा साहा ये हैं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष। गौरी सावंत है देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव
राजदूत, सालिजा धामी, ये हैं भारत की महिला फ्लाइट्स कमांडर, और हैं शिवांगी सिंह, ये हैं भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, मिंटी अग्रवाल, ये हैं युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां कौन कौन सी की गई हैं पिछले एक साल के अंतर्गत। तो ये हैं पद्म लक्ष्मी, यूएनडीपी की सद्भावना दूत हैं सौम्या विश्वनाथन, ये हैं डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक अनीता भाटिया, यूएन यूनाइटेड नेशन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं आरोही पंडित, ये हैं अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये हैं यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। अंशुला कांत, ये हैं विश्व बैंक की सीईओ। जी एस लक्ष्मी, ये हैं आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला। प्रीति पटेल, ये हैं ब्रिटेन की गृह सचिव। पूजा देवी, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। डॉक्टर निगार जोहर, ये हैं पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। पाकिस्तान की कमला हैरिस, यूएसए राष्ट्र के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला। तुलसी गैवार्ड, ये हैं यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होने वाली प्रथम हिंदू महिला। सुमन कुमारी, ये हैं पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। क्लेयर कोनोर, ये हैं मैरी लेबेन, लेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बने। अब हम देख लेते हैं विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत कौन कौन से नियुक्त किए गए हैं। तो ये है मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात, और यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं भारतीय राजदूत राजेश वैष्णव। ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कैनबरा है और यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं मनप्रीत बोहरा। डेनमार्क कोपेनहेगन है राजधानी इसकी और यहाँ पर पूजा कपूर नियुक्त की गई है। सीरिया अरब गणराज्य दमिश्क, यहाँ के राजदूत हैं महेंद्र सिंह कान्यान। माल्टा, इसकी राजधानी है वैलेटा और यहाँ पर राजदूत नियुक्त की गई है संगीता बहादुर। कजाकिस्तान, यहाँ की राजधानी है नूर सुल्तान और यहाँ पर राजदूत नियुक्त किए गए हैं शुभ दर्शनी त्रिपाठी। आसियान सचिव सचिवालय जकार्ता, राजधानी है जयंत खोब रागडे नियुक्त किए गए हैं यहाँ के उच्चायुक्त। मिस्र कायरो, राजधानी है इसकी अजीत विनायक गुप्ते, यहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और यहाँ पे जो राजदूत हैं वो हैं मनीष चौहान। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, वीरेंद्र कुमार पाल नियुक्त किए गए हैं राजदूत। अल्जीरिया, अल्जीरियस, इसकी राजधानी गौरव अहलुवानिया, यहाँ के राजदूत हैं। कोरिया के सियोल, राजधानी अनित बनर्जी, यहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बुरुंडू, गीतेहा, राजधानी है और यहाँ पर अजय कुमार नियुक्त किए गए हैं। सोलोमन द्वीप समूह, होनियारा, यहाँ की राजधानी है और सुशील कुमार सिंघल राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सैन मैरिनो गणराज्य, यहाँ की जो राजधानी है वो है सैन मैरिनो और राजदूत हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा। अल्बानिया, यहाँ की राजधानी है तिराना और यहाँ के जो राजदूत हैं वो हैं राहुल श्रीवास्तव। इंडोनेशिया, जकार्ता, राजधानी मनोज कुमार भारती, यहाँ के राजदूत हैं। नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, यहाँ की राजधानी है और प्रदीप कुमार रावत, यहाँ के राजदूत हैं। स्वीडन, स्टॉकहोम, राजधानी है तन्मय लाल, यहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। मॉरिशस, पोर्ट लुइस, राजधानी के नंदिनी सिंगला। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। देवयाना, उत्तम खोब रागडे, यहाँ की राजदूत नियुक्त किए गए हैं। पुर्तगाल लिस्बन है, मनीष चौहान है यहाँ के राजदूत। जमैका किंगस्टन राजधानी है और आर मसाकुई,
यहाँ के राजदूत हैं क्रोएशिया जगरेब हैं, यहाँ की राजधानी और राजकुमार श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं यहाँ के राजदूत। उज्बेकिस्तान ताशकंद राजधानी है, मनीष प्रभात नियुक्त किए गए हैं। अफगानिस्तान काबुल, काबुल नहीं है काबुल है। रुदेंद्र टंडन यहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तुर्कमेनिस्तान असगाबत यहाँ की राजधानी है और विधु नायर यहाँ के राजदूत हैं। बांग्लादेश ढाका राजधानी विक्रम दुरई स्वामी यहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कुवैत, राजधानी है कुवैत सिटी। सिबी जॉर्ज नियुक्त किए गए हैं राजदूत। सियेरा लियोन फ्री टाउन राजधानी है और राकेश कुमार अरोड़ा नियुक्त किए गए हैं। रोमानिया की बुखारेस्ट राजधानी है और राहुल श्रीवास्तव राजदूत हैं। फिनलैंड हेलसिंकी राजधानी रवीश कुमार राजदूत। यूक्रेन सॉरी ब्रिटेन यूके है, ये लंदन राजधानी है और गायत्री कुमार नियुक्त किए गए हैं। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मॉर्सेबे मार्सबे राजधानी सुशील कुमार सिंघल राजदूत। अंगोला लुआंडा राजधानी और प्रतिभा पारकर राजदूत। सिंगापुर सिंगापुर सिटी राजधानी। पेरिया सामी सुमारन राजदूत हैं। स्विट्जरलैंड बर्न राजधानी मोनिका मोहता यहाँ के राजदूत। फिलीपींस मनीला राजधानी शंभू एस कुमारन यहाँ के राजदूत हैं। जिम्बाब्वे हरारे राजधानी विजय खंडूला यहाँ की राजदूत हैं। बेल्जियम ब्रुसेल्स राजधानी है यहाँ की और संतोष झा राजदूत हैं। नाइजर अबूजा राजधानी है और पी के नायर यहाँ के राजदूत हैं। कतर दोहा राजधानी है, दीपक मित्तल राजदूत हैं। युगांडा कंपाला राजधानी है और अजय कुमार यहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ कौन कौन से हैं। तो इसमें है एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट सत्या नडेला, एबोर्ड शांतनु नारायण, कोका कोला जेम्स क्विंसी, टाटा सन्स एन चंद्रशेखरन, ओला कैब के हैं भावीस अग्रवाल, उबेर कैब के हैं दारा खोसरो शाही इसके सीईओ हैं। एयर इंडिया के प्रदीप सिंह खरोला, पेप्सिको के हैं रेमन लगुआर्ता, बीएसएनएल के हैं प्रवीण कुमार पुरवार, मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बागा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड संजीव मेहता इसके सीईओ हैं, सोनी केन जीरो योशिदा इसके सीईओ हैं, सैमसंग के हैं किम ह्यून सुक, को डोंग जिन, किम के नाम बड़ा अजीब है पढ़ सकते हैं। नोकिया के सीईओ हैं पेक्का लुंड मार्क, एचपी के हैं डियोन वेस्लर, एयरटेल गोपाल विट्टल, वोडाफोन आइडिया इसका नया नाम है वी रविंदर टक्कर इसके सीईओ हैं, टीसीएस राजेश गोपीनाथ, इंफोसिस के सीईओ सलील पारिक, वॉलमार्ट इंडिया समीर अग्रवाल, गूगल के हैं अल्फाबेट गूगल सुंदर पिचाई, आईबीएम अरविंद कृष्णा, अमेजन के हैं एनडीजीसी सीईओ हैं इसके एनडीजीसी अमेजन, फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्ण मूर्ति, ईबे के हैं जैमी इनोन, स्नैपडील कुणाल बहल, यूट्यूब के हैं सुसन वोज सिस्की, ओलेक्स इंडिया के हैं अलेक ऑक्सनफोर्ड, अलीबाबा डेनियल झोंग, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के हैं जैक डोर्सी, व्हाट्सएप जॉन कैम, इंस्टाग्राम एडम मोसेरी। व्हाट्सएप का ध्यान रखना इस बार यह काफी न्यूज में रहा है, तो इसलिए पूछा जा सकता है जान कॉम इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है विप्रो
डेलापोर्ट मिंत्रा का है, अनंत नारायण डेल, माइकल बी डेल, बी एम डब्ल्यू, हैराल्ड एलिसन, इंटेल पैट गिल सिंजर, गूगल क्लाउड के प्रमुख एशिया प्रशांत में हैं करण बाजवा, हराले डेविनसन, माथेयू एस लेचर टीव हैं, ए टी एंड टी रेंडल एल स्टेफेसन, विकिपीडिया जिमी वेल्स, आईटीसी इंडिया योगेश चंद्र देवेश्वर हैं। अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री को 2016 से लेकर 20 के बीच में कितने पुरस्कार मिले हैं, जो भी सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं पीएम को, हमारे प्रधानमंत्री को। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016 का है, ये सऊदी अरब में मिला था। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान, सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया से मिला है, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन ने दिया है, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा 2019 बहरीन से मिला है, ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा दिया गया है, सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस के द्वारा दिया गया है, फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 कलाक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 दिया गया है मालदीव के द्वारा, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदेश यात्राएं कहां कहां गए थे, ये भी देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता रहता है। पहला है 21 मार्च से लेकर 2 अप्रैल, ये 2019 का है, ये आपको ध्यान रखना है। 21 मार्च से 2 अप्रैल के बीच गए थे ये क्रोएशिया, वोलिविया व चिली की यात्रा पर। 29 जुलाई 3 अगस्त के बीच बेनिन, गॉम्बिया व गिनिन गए थे। 9 से 17 सितंबर आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया। 17 से 23 अक्टूबर फिलीपींस व जापान की यात्रा पर गए थे। 2021 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? 2020 71वां था और 2021 72वां था गणतंत्र दिवस। 2021 के 72वें में कोई भी नहीं आया कोविड-19 के कारण, लेकिन 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो परेड में आए थे। असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था 2020 में। अब हम देख लेते हैं भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख कौन कौन से हैं। तो इस तरफ एयर इंडिया है, मुख्यालय है और उनके प्रमुख व सीईओ दिए गए हैं। एयर इंडिया दिल्ली में मुख्यालय है, राजीव बंसल सीईओ प्रमुख है इसके, इंडिगो गुरुग्राम हरियाणा, राहुल भाटिया प्रमुख है। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची केरल में है मुख्यालय, प्रदीप सिंह खरोला इसके सीईओ हैं। स्पेस जेट गुरुग्राम हरियाणा, अजय सिंह प्रमुख हैं। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है, कौशिक खोना सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक में है, एस रामादुरई सीईओ। विस्टारा गुरुग्राम हरियाणा में है और ये हैं भास्कर भट्ट इसके प्रमुख हैं। एयर डिकैन मुंबई महाराष्ट्र में है, जी आर गोपीनाथ प्रमुख हैं इसके। ब्लू डर्ट एवेसन चेन्नई तमिलनाडु में मुख्यालय है इसका, तुषार जानी इसके प्रमुख हैं। पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश में मुख्यालय है, बीपी शर्मा इसके प्रमुख हैं। फ्लाई डिवाइन इंदौर मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है, दिनेश गुप्ता प्रमुख हैं। डेकन चार्टर्स बंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है और जी आर गोपीनाथ इसके प्रमुख हैं इस समय। एलायंस एयर दिल्ली में मुख्यालय है, प्रदीप सिंह खरोला इसके प्रमुख हैं। ट्रूजेट हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है और विशोक मानसिंह इसके प्रमुख हैं। जल हंस पोर्ट ब्लेयर अंडमान में मुख्यालय है और प्रफुल्ल पटेल इसके प्रमुख हैं।
अब हम देखते हैं 2019 से 21 के बीच में आए हुए तूफान और उससे संबंधित देश कहाँ कहाँ पर ये तूफान आए थे। तो इसमें पहला है अम्फान, ये आया था ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में। निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात में। डायने चक्रवात मेडागास्कर में। बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु गति सोमालिया में आया था। फिक्साई तालीम हैसेन ये जापान में आया था। डोरियन उत्तरी महावास अमेरिका में आया था। वायु ये आया था गुजरात भारत में। फोनी व तितली भारत में आया था ओडिशा में। उस्मान वामको व गोनी फिलीपींस में आया था। निवार तमिलनाडु और पौंडीचेरी में आया था। लारा एटा निकारागुआ होंडुरास मध्य अमेरिका में आया था। सिमरोन क्रोसा या टॉमी जापान में आया था। अल्बर्टो अल्बामा फ्लोरिडा व मिसिसिपी में आया था। मेकोनू व सागर ये आया था यमन की खाड़ी में। केनी जोसाई या यासा ये फिजी में आया था। नोरा केल्विन ऑस्ट्रेलिया में आया था। अब देख लेते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में क्या क्या दिया गया है हमारे भारत में वन के बारे में। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं जारी की। 16वीं नंबर की रिपोर्ट है ये। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पे ये प्रकाशित किया जाता है। पहली वन रिपोर्ट आई थी 1987 में और इस बार आई है 16वीं। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है। तो यहाँ पर ये दिया गया है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर और ये है कुल वनावरण है टोटल 24.56% जितनी हमारी भारत पर भूमि है उसका 24.56% है। देश में कुल वनावरण है 7,712,249 वर्ग किलोमीटर ये है टोटल 21.67%। देश में कुल वृक्षावरण है टोटल 2.89% 95,027 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो वनावरण होता है ये वनावरण और ये वृक्षावरण को टोटल मिलाकर देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण टोटल 24% है। लेकिन सिर्फ वनावरण है 21.67% और सिर्फ वृक्षावरण है 2.89%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पर मिला के ये इकट्ठा दिया जाता है तो इसमें से ये घटा के पूछा जाता रहता है। वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है। 5,188 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और ये टोटल 0.65% है। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में 1,212 किलोमीटर। वृक्षावरण और वनावरण का मतलब समझा दे रही हूँ मैं। जैसे वनावरण मतलब पूरे जंगल जंगल जो होते हैं और वृक्ष मतलब जो भी सिटी के बीच में कहीं कहीं जो वृक्ष पाए जाते हैं उनका उन्हें लिया जाता है तो टोटल ये उन्हें वृक्षावरण कहते हैं वनावरण जंगलों वादी को। नेक्स्ट देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं वर्ग किलोमीटर है 4,975 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव वन में वृद्धि कितनी हुई है तो ये 54 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव के वनों में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं तो मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो वन क्षेत्र सर्वाधिक मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ याद रखना है आपको। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शेष राज्य कौन से हैं, किन राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि पाई गई है तो कर्नाटक में 2,225 किलोमीटर की 2025 किलोमीटर की। आंध्र प्रदेश में 990 किलोमीटर स्क्वायर है ये और केरल में 823 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि पाई गई है। तो सबसे ज्यादा कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे केरला है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है तो ये मिजोरम है। यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल और प्रतिशत के हिसाब से आपको ध्यान रखना है।
तो सर्वाधिक वन क्षेत्र यहाँ पे ऊपर जो आपको दिखाया गया है, सर्वाधिक ये जो वन क्षेत्र हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश आगे है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम पहले नंबर पे है, 85.41% है यहाँ पर। दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, 79.63%। मेघालय है, 76.33% के पे तीसरे स्थान पे। भारत में कुल 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमिया देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। तो देश की जितनी भी भूमि है वो आर्द्र भूमि, उसका 3.83% है आर्द्र भूमि। क्या होता है, जो भी नदी होती है, तालाब होते हैं, जो भी दलदल की भूमि होती है इत्यादि, नदी किनारे जो भी स्थान होते हैं उन सभी को, समुद्र किनारे जो स्थान पाए जाते हैं, कुछ लैगून वगैरह, तालाब इत्यादि, ये सभी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। तो ये भी याद रखना है कि भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात में ही आर्द्र भूमि पाई जाती है। आर्द्र भूमि क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख कृषिगत उत्पादन है भारत एवं विश्व में कौन कौन प्रथम है। तो चावल है, इसमें विश्व में प्रथम कौन है, चीन, और भारत में पश्चिम बंगाल चावल में पहले स्थान पर है। गेहूं में चाइना पहले पर है, उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। मक्का में अमेरिका प्रथम पर है और भारत में कर्नाटक पहले स्थान पर है। दलहन में है भारत पहले स्थान पर विश्व में, याद रखना है दलहन भारत में पहले स्थान पर है और भारत के अंतर्गत प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन पहले स्थान पर है और भारत के अंतर्गत गुजरात में मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। गन्ना ब्राजील में सबसे ज्यादा है, पहले स्थान पर गन्ना गन्ना ब्राजील में होता है। और उत्तर प्रदेश भारत के अंतर्गत पहले स्थान पर है। जूट भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है और भारत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में, तो भारत में इसमें नंबर वन पे किस पे है, पहला तो ये दलहन हो गया है और दूसरा ये जूट हो गया है। नेक्स्ट तंबाकू, चीन पहले स्थान पर है भारत में, आंध्र प्रदेश तंबाकू के लिए पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबर, थाईलैंड पहले स्थान पर है और इसमें केरल जो है वो भारत में पहले स्थान पर है। कॉफी ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है। कर्नाटक पहले स्थान पर है भारत के अंतर्गत। सूरजमुखी यूक्रेन में पहले स्थान पर है और भारत में कर्नाटक सबसे ज्यादा है, पहले स्थान पर है। ज्वार अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है, पहले स्थान पर। महाराष्ट्र भारत के अंतर्गत। कपास यहाँ पर आप इकट्ठा देख सकते हैं, कपास, आलू, प्याज, चाय, ये चार चीजों में चाइना प्रथम स्थान पर है। कपास, आलू, प्याज और चाय। और कपास के में पहले स्थान पर भारत में क्या है, गुजरात पहले स्थान पर है। आलू में भारत में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्याज में पहले स्थान पर भारत में महाराष्ट्र है और चाय में असम है। तो ये ध्यान रखना है, चाय तो वैसे भी असम में होती है ये सबको पता होता है। प्याज याद रखना है, कांदा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, आलू उत्तर प्रदेश में और कपास गुजरात में। नेक्स्ट सोयाबीन है, सोयाबीन में अमेरिका पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर। दाल में भारत पहले स्थान पर है, दूध में भारत पहले स्थान पर है। और भारत के में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल होती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है और दूध में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। तो इसमें आपको ये देखना है भारत किन किन चीजों में पहले स्थान पर है, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार। दूध में पहले स्थान पर है, दाल में पहले स्थान पर है, और ये ऊपर मैंने दो और बताया था आपको, भारत जिसमें प्रथम है विश्व में, जूट में और दलहन में। तो ये चार चीजों में याद रखना है, दलहन, जूट, दाल और दूध, इसमें भारत पहले स्थान पर आता है। उत्पादन है ये, उत्पादन के क्षेत्र में। और अब देख लेते हैं यहाँ प्रमुख खनिज, उनके उत्पादन में उसमें भारत और विश्व में कौन सा प्रथम है। कोयला सबसे ज्यादा चाइना में होता है, विश्व में प्रथम है। झारखंड भारत में प्रथम है। हीरे में रूस प्रथम पर है और भारत में मध्य प्रदेश। तांबे में चिली प्रथम है, भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क चाइना में सबसे ज्यादा होता है और भारत में ओडिशा में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आती है चांदी, चांदी मैक्सिको नंबर वन पे है और राजस्थान भारत में है। कच्चा तेल अमेरिका में प्रथम उत्पादन में है, ये याद रखना है कि यहाँ पे उत्पादन दिया गया है कि उत्पादन में प्रथम है, उत्पादन और उपभोग में अंतर होता है, तो उत्पादन में प्रमुख है।
कच्चा तेल अमेरिका और भारत में राजस्थान, प्राकृतिक तेल अमेरिका प्रथम पर है, असम भारत में है, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया प्रथम पर है, भारत में उड़ीसा है, मैग्नीज अयस्क दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश भारत में है, सोना चाइना में प्रथम स्थान पर है, चाइना सोने के मामले में, और कर्नाटक भारत में है, अभ्रक चाइना प्रथम स्थान पर है, भारत में आंध्र प्रदेश है, यूरेनियम कजाखस्तान में प्रथम है यूरेनियम के मामले में और भारत में आंध्रा है। इसके बाद आता है टंगस्टन, चाइना प्रथम पर है, आंध्र प्रदेश भारत में है और कैडमियम में चाइना प्रथम है और आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम है, निकेल इंडोनेशिया प्रथम है, ओडिशा प्रथम है भारत में, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका प्रथम पर है और भारत में ओडिशा है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनमें से किसी भी खनिज में भारत प्रथम स्थान पर नहीं है, इनमें कौन कौन सा है ये ध्यान रखना है। प्रथम स्थान पर भारत नहीं है ना कोयले में, ना हीरे में, ना तांबे में, लौह अयस्क चांदी कच्चा तेल प्राकृतिक गैस बॉक्साइट मैग्नीज अयस्क सोना अभ्रक यूरेनियम टंगस्टन कैडमियम निकेल व क्रोमाइट, इन किसी भी चीजों में भारत पहले स्थान पर नहीं है। अब हम देख लेते हैं स्थल शहरों अभियानों में परिवर्तित किए गए नाम, जो भी 1-2 साल के अंतर्गत नाम परिवर्तित किए गए हैं वो देख लेते हैं हम। हबीबगंज रेलवे स्टेशन या अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। बोगी व्हील पुल इसका नाम, इसे कांडला बंदरगाह भी कहते थे, इसका नाम अब अटल सेतु व दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। नया रायपुर साबरमती घाट इसका अब नाम हो गया है अटल नगर व अटल घाट। रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में है, इसका नाम हो गया है अटल सुरंग। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हजरतगंज चौराहा अटल पथ हो गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का, और अटल चौक हो गया है। हजरतगंज चौराहा कहाँ पर है तो ये लखनऊ में है, हजरतगंज चौराहा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और अब इसे अटल चौक कहते हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को अटल पथ कहते हैं। अगरतला हवाई अड्डा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन हो गया है। गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब कर दिया गया है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। मियाँ का बाड़ा बड़ा गांव बाड़मेर जिला राजस्थान में है ये, इसका नाम बदलकर अब महेश नगर कर दिया गया है। अहमदाबाद शिमला इलाहाबाद का नाम बदल के अहमदाबाद का नाम क्या किया गया है, कर्णावती, शिमला का श्यामला और इलाहाबाद का प्रयागराज। फैजाबाद गुड़गांव होशंगाबाद फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। गुड़गांव का गुरुग्राम और होशंगाबाद का नर्मदापुरम हुआ है। झार सूडा हवाई अड्डा उड़ीसा में है ये, इसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया गया है। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप व नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के अब कर दिया गया है स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप। इसके बाद आता है रास द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। भोपाल मेट्रो रेल का भोस मेट्रो कर दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। उसके बाद आता है अंबाला सिटी बस स्टैंड, इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया गया है। विदेशी सेवा संस्थान सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान किया गया है।
मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे किया गया है। मटुआ डी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर अब बनारस जंक्शन कर दिया गया है। मुगल म्यूजियम आगरा में है, इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम किया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली किया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा उत्तर प्रदेश में है ये, इसका नाम बदलकर किया गया है प्राइड स्टेशन। जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया है। दांधूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम किया गया है। माजेर हॉट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इसका नाम बदलकर अब किया गया है जय हिंद। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर किया गया है बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान। तो कितने नाम आपको याद रखने हैं। प्रमुख योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं, अभियान व उससे संबंधित राज्य देख लेते हैं। कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं और वह कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं। देखो अपना प्रदेश अभियान ये अरुणाचल प्रदेश का है। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की है ये योजना। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर में चलाई गई। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना उत्तराखंड की है। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई। पंख अभियान या रोको टोको अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। स्वयं योजना औरु नोदेई योजना ये असम सरकार के द्वारा चलाई गई। वन स्कूल वन आईएस योजना केरल में चलाई गई। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर में। किसान कल्याण मिशन अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में। जगन्नाथ क्यू क्रांति योजना आंध्र प्रदेश में चलाई गई है। द्वारे सरकार अभियान माँ योजना द्वारे सरकार अभियान इसके बाद दूसरी है ये माँ योजना पश्चिम बंगाल की है ये दोनों। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान की है। रायधु वेदिका योजना तेलंगाना की है। वात्सल्य एवं समृद्धि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई ये योजना। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश की है। कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना पुदुचेरी की है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई। किसान सर्वोदय योजना गुजरात की है। YSR बीमा योजना YSR चेउता स्कीम आंध्र प्रदेश की है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की है। नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र का है ये अभियान। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश की है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम की है ये। पथ श्री अभियान पश्चिम बंगाल का है ये। मोच कलश योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात सरकार की है। गरिमा योजना व बाल बलराम योजना उड़ीसा सरकार की योजना है ये। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। गंदगी छोड़ो भारत अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा। इरादा अभियान जम्मू व कश्मीर के द्वारा जम्मू और कश्मीर में चलाया गया। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यह अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई यह योजना। किसान सहाय योजना गुजरात में चलाई गई। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत चलाई गई। इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ में चलाई गई। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान मध्य प्रदेश में। परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार में चलाई गई। नवीन
रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। तो इतनी योजनाएं दी गई हैं आपको, ये सभी योजनाएं ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जाता रहता है कि कौन सी योजना किस प्रदेश से संबंधित है। अब हम देखते हैं महोत्सव सम्मेलन बैठक 2019-20 में कितने महोत्सव सम्मेलन व बैठकें जो भी हुई हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है लोसार त्योहार 2020 में मनाया गया, फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश के हैं ये, खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 ये जास्कर कारगिल में मनाया गया, नारंगी संतरा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संगाई महोत्सव मणिपुर से संबंधित है ये सभी, नारंगी संतरा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायगढ़ छत्तीसपुर में है ये मनाया गया, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है 2019 और त्रिपुरा 2020 में, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कविता उत्सव कोलकाता का है ये, चाप चरकुट त्योहार 2020 मिजोरम का है, बाली यात्रा नुआखाई महोत्सव और रज पर्व ये उड़ीसा का है, संगम खीर भवानी हेरथ कंचौत त्योहार ये जम्मू कश्मीर के हैं, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सोपान महोत्सव ये नई दिल्ली के हैं, आदि महोत्सव लद्दाख 2019 में मनाया गया और 2020 मध्य प्रदेश में, काला घोड़ा महोत्सव व गुड़ी पड़वा मुंबई महाराष्ट्र के हैं ये, फ्लेमिंगो का त्योहार तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव आंध्र प्रदेश के हैं ये, काव्य उत्सव कविता विज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल के हैं, द्विजिंग महोत्सव अंबुबाची मेला व काती बिहू त्योहार असम के हैं, करावली उत्सव व कंबाला उत्सव कर्नाटक के हैं ये, थुंगी महोत्सव मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार केरल के हैं ये, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड, देव सूर्य महोत्सव 2020 औरंगाबाद बिहार से हैं ये, बथु कंबा उत्सव बोनालू उत्सव नागोबा जतारा उत्सव तेलंगाना से है ये, नीरमल जल महोत्सव पौष परवान मेला लाई हरा ओबा त्रिपुरा के हैं ये, 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोची केरल में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में, बेहदी नखलम महोत्सव नोक करेम डांस फेस्टिवल मेघालय में, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में मनाया गया और उल्लू महोत्सव पुणे में, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री हरियाणा में, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 गुवाहाटी असम में, जनाद्रियाया सऊदी अरब का है ये, विश्व रोबोट सम्मेलन बीजिंग चीन में है ये, पक्षी उत्सव करलव बिहार के जमुई में, विस्किट जत्रा नेपाल काठमांडू घाटी का महोत्सव है ये, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश का है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव 2020 ओडिशा का है, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड का है, पुष्कर मेला हाथी उत्सव राजस्थान का है, लोसांग त्योहार सागा दावा त्योहार सिक्किम का है, 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 फरीदाबाद हरियाणा, पोंगल जल्लीकट्टू आदि पेरक थिपुसुम त्योहार तमिलनाडु का है ये, रण उत्सव उदागी त्योहार गुजरात का है ये, परशुराम कुंड मेला जनवरी 2020 में मनाया गया अरुणाचल प्रदेश का है ये, और मकई मिर्च मांडू नमस्ते ओरछा महोत्सव ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। अब हम देखते हैं इसरो का वर्ष 2018 और 21 के बीच जो भी प्रमुख मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है एमेजोनिया फर्स्ट 28 फरवरी 2021 को,
इसकी प्रक्षेपण की तिथि है और यह प्रक्षेपण यान यह रॉकेट PSLV C-51 के द्वारा लॉन्च किया गया। EOS-01 7 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया और किसके द्वारा? PSLV C-49 के द्वारा। ये PSLV क्या होता है? तो ये जैसे अगर कोई रॉकेट है, मान लीजिए कोई रॉकेट को छोड़ना है तो उसे जिस चीज़ के द्वारा उसे प्रक्षेपित किया जाता है तो उसी को यहाँ पर ये PSLV कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। ये ऐसे कुछ प्रक्षेपण यान होते हैं जिनके द्वारा रॉकेट को छोड़ा जाता है ऊपर। रॉकेट तो चला जाता है लेकिन जो प्रक्षेपण यान होता है उससे कई सारे रॉकेट छोड़े जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रक्षेपण यान या रॉकेट क्या होता है। नेक्स्ट है ZSAT-30। ये 17 जनवरी 2020 Ariane 5 VA-251 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये प्रक्षेपण यान है। RISAT-2B-R1 ये 11 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया और ये PSLV-QLC-49 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है CARTOSAT-3। ये 27 नवंबर 2019 PSLV-XLC-49 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 GSLV-MK-3 के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद है RISAT-2B 22 मई 2019 PSLV-CA-C-46 के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये नाम दिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये जो PSLV एक प्रक्षेपण यान हो गया, इसके जो नए नए वर्जन आते हैं उसके बाद 46, 47, 51 जो भी नाम, ये नाम आगे करके सी करके जो भी अपडेट किए जाते हैं, ये ऐसे नाम दिए जाते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये सेम होते हैं। इसमें जो भी अपडेट किए जाते हैं उन्हें ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है कि सी है उसके बाद डी आएगा, यहाँ पर किसी में ए रहेगा तो वो पुराने वर्जन होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर 51 आ गया C-51 तो मतलब नया कुछ अपडेट करके कुछ आया होगा। इसके बाद आता है IMISAT 1 अप्रैल 2019 PSLV-C-49 के द्वारा लॉन्च किया गया है। GSAT-31 6 फरवरी 2019 Ariane 5 VCA के द्वारा लॉन्च किया गया। KALAMSAT-V2 23 जनवरी 2019 PSLV-C-45 के द्वारा लॉन्च किया गया। MICROSAT और 22 जनवरी 2019 PSLV-C-44 के द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT-7A 19 दिसंबर 2018 GSLV-MK-2F-11 के द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT-11 5 दिसंबर 2018 Ariane 5 VA-246 के द्वारा लॉन्च किया गया। HYSIS 29 नवंबर 2018 PSLV-C-43 के द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT-29 14 नवंबर 2018 GSLV-MK-3D-2 के द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, ये इसका फुल नेम है, और GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं। तो ध्यान रखना है, ये इसके फुल नेम है GSLV और PSLV। अब देख लेते हैं इसरो के कुछ आगामी मिशन हैं। आने वाले समय में इसरो कौन कौन से मिशन लॉन्च करने वाला है? तो चंद्रयान-3 2021 में, यह इसके उद्देश्य क्या होगा? चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास करेगा ये। गगनयान 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान फर्स्ट 2024 में लॉन्च किया जाएगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन है ये। आदित्य एल फर्स्ट 2022 में लॉन्च किया जाएगा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है ये। RISAT-1A 2021 में लॉन्च किया जाएगा, एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। निसार 2022 में लॉन्च किया जाएगा, यह पहला डुअल वेड रडार इमेजिंग उपग्रह है। प्रमुख ऑपरेशन क्या कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ऑपरेशन नमस्ते COVID-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन है ये। ऑपरेशन संकल्प
भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक कोड है ये। ऑपरेशन सुदर्शन वेसब द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं गाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु चलाया गया ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ये भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन थंडर है। ये रेलवे के द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया। ऑपरेशन 25 क्या है? पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रसीद को पकड़ने हेतु ऑपरेशन 25 चलाया गया। अब हम देख लेते हैं 2020-21 में कुछ चर्चित व्यक्तियों के निधन हो गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह व्यक्ति हैं, तिथि है और ये संबंधित क्षेत्र, वो व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित थे। बेवरली क्लीरी 25 मार्च को इनका निधन हुआ है। ये बच्चों की प्रसिद्ध लेखक थे अमेरिका के। सागर सरहदी 21 मार्च को निधन हुआ, ये लेखक हैं, निदेशक निर्माता रहे हैं। जान मुगुफली 17 मार्च को निधन हुआ, पांचवें राष्ट्रपति थे तंजानिया के। लक्ष्मण पई ये 14 मार्च को निधन हुआ और यह एक चित्रकार थे। अंशुमान सिंह 8 मार्च को निधन हुआ, पूर्व गवर्नर राजस्थान के थे। ईसर सिंह देओल 8 मार्च को इनका निधन हुआ है और ये एक एथलीट रहे हैं। ध्यानचंद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। श्रीकांत मोघे 6 मार्च को निधन हुआ है, यह एक अभिनेता थे। बलदेव शरण नारंग 2 मार्च को इनका निधन हुआ है, संगीतकार थे ये। विष्णु नारायण नंबूदरी 25 फरवरी को इनका निधन हुआ, ये मलयालम के कवि रहे थे। राहुल खुल्लर 23 फरवरी को निधन हुआ, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे ये। एम रामा जोईस 16 फरवरी को निधन हुआ इनका और ये पूर्व राज्यपाल थे कहाँ के, बिहार और झारखंड के। राजीव कपूर का निधन हो गया 9 फरवरी को, यह अभिनेता थे। अख्तर अली 7 फरवरी को निधन हुआ है, ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। पद्मश्री बंसी कौल 6 फरवरी को निधन हुआ, रंग विदूषक के संस्थापक थे ये। सिसली टायसन 28 जनवरी को निधन हुआ, अमेरिकी अभिनेत्री थी ये। क्लारिस लीचमैन 27 जनवरी ऑस्कर विजेता अभिनेता थे। ये जनवरी जो भी यहाँ पर दिया गया है ये 2000 जनवरी 2021 दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये 20 का है, ये जनवरी 2021 की डेट है। हम बैक चल रहे हैं मार्च से, हमने मार्च से शुरू किया है, मार्च के व्यक्ति निधन व्यक्तियों के देखे, जिन भी व्यक्तियों के निधन हुए हैं। उसके बाद हम फरवरी के देखे और अब हम देख रहे हैं जनवरी महीने के। प्रशांत टोरा 26 जनवरी को निधन हुआ, मोहन बगान के पूर्व गोल कीपर थे ये। लैरी किंग 23 जनवरी अमेरिकी टिकटॉक शो होस्ट थे। डॉक्टर वी सांता ये कौन थे? 19 जनवरी को इनका निधन हुआ, ये प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान 17 जनवरी को निधन हुआ, संगीतज्ञ थे। तुरलापति कुटुंबा राव 11 जनवरी को निधन हुआ, तेलुगु पत्रकार थे। माधव सिंह सोलंकी 9 जनवरी को निधन हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री थे ये गुजरात के। सत्यापाल 6 जनवरी को निधन हुआ, भारतीय फैशन डिजाइनर थे। बूटा सिंह 2 जनवरी को निधन हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस के। कर्नल नरेंद्र बुल इनका निधन हुआ 23 दिसंबर 2020 को और यह एक पर्वतारोही थे। मोतीलाल वोरा 21 दिसंबर को इनका निधन हुआ, यह पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। एमजी बैज 19 दिसंबर को निधन हुआ, पत्रकार थे ये। रोडम नरसिम्हा 14 दिसंबर को निधन हुआ, एरोस्पेस के वैज्ञानिक थे। श्रीपति खान चनेले 14 दिसंबर को निधन हुआ और ये पहलवान थे। अस्ताद देबू यह प्रसिद्ध नर्तक थे और इनका मृत्यु हुई 10 फरवरी 2020 को। पाओलो रोसी ये फुटबॉलर थे इटली के, 9 दिसंबर को इनका मृत्यु हुई। मंगरेस डबराल 9 दिसंबर को मृत्यु हुई और ये कवि एवं लेखक थे। मधुकर गंगाधर 6 दिसंबर को मृत्यु हुई, ऑल इंडिया रेडियो के लेखक थे। रवि पटवर्धन ये 5 दिसंबर को मृत्यु हुई इनकी और यह थे मराठी अभिनेता।
डियोगो माराडोना 29 सॉरी 26 नवंबर को इनका निधन हुआ, और यह एक फुटबॉलर थे अर्जेंटीना के। रे क्लेमेंस 21 नवंबर को मृत फुटबॉलर थे। सत्यजीत घोष 16 नवंबर को मृत फुटबॉलर थे। संचमान लिंबू 13 नवंबर को इनकी मृत्यु हुई, यह थे सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री। केन स्पीयर्स यह 11 नवंबर को डेथ हुई इनकी, यह थे स्कूबी डू के सह निर्माता। टी एन कृष्णन 3 नवंबर को निधन हुआ, वायलिन वादन थे वादक। जोस मतिनंदन जसो मतिनंदन दास इनकी मृत्यु हुई 25 अक्टूबर को, गुजरात इस्कॉन के अध्यक्ष थे। नैनी नरसिम्हा रेड्डी 22 अक्टूबर 2020 को इनकी डेथ हुई, यह थे तेलंगाना के पहले गृह मंत्री। लक्ष्मी रमनन 21 अक्टूबर को इनको डेथ हुई, यह थे वायुसेना की पहली महिला अधिकारी लक्ष्मी विजय लक्ष्मी रमनन। अब हम देख लेते हैं 2019 से लेके 2021 के बीच में जियोग्राफिकल इंडिकेट कितने उत्पादों को दिया गया है, जीआई टैग कितने उत्पादों को प्रदान किया गया है, तो ये हम देख लेते हैं। ये कुछ भौगोलिक संकेत होते हैं, अगर कोई जगह है उस जगह पे अगर उसे जीआई टैग दिया जाता है, तो उसकी जो मूलभूत जो उसकी जहाँ की वो वस्तु होती है उसकी क्वालिटी, उसे बिक्री करने में आसानी होती है, क्योंकि वह एक ब्रांडेड चीज बना दी जाती है जीआई टैग देने के द्वारा। तो जीआई टैग क्या होता है, ये एक संकेत होता है जिससे उस वस्तु की गुणवत्ता बेहतर की जा सके, उसे कोई और ना बना सके, इसलिए यह जीआई टैग दिया जाता है। इसमें देखते हैं काले चावल चाक हावो ये मणिपुर का है, टेराकोटा गोरखपुर का है, ग्रीन और व्हाइट टी दार्जिलिंग की चाय है ये, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड की है ये, केबिल पट्टी कदलई मिताई मूंगफली कैंडी तमिलनाडु की है ये, पलानी पंचा मीर्थम प्रसाद ये तमिलनाडु का है, तव लोह पुआल सॉल और नगो तेखेह सॉल ये मिजोरम के हैं, इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिजो पुआन चेई सॉल और पान डुम सॉल मिजोरम के हैं। खेस मिठाई है ये, हरमल मिर्च मांडोली केला ये गोवा के हैं, इन्हें जीआई टैग मिला है। तिरूर पान का पत्ता मरयूर गुड़ ये केरल का है। मखाना मधुबनी पेंटिंग और सिलाओ खाजा ये बिहार के हैं, जीआई टैग मिला है इन्हें। कश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम कश्मीर के हैं ये। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक व महाराष्ट्र के हैं। कंदागी साड़ी है ये तमिलनाडु की। चुली का तेल हिमाचल प्रदेश का है ये। कंदमाल हल्दी ओडिशा रसगुल्ला ओडिशा का है ये, जीआई टैग मिला है इसे। तोलिया रुमाल तेलंगाना का है। इदू मिस्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश का है ये। उसके बाद आता है डिक्की गुल ताले तमिलनाडु के हैं। श्री विल पुथुर पल कोवा तमिलनाडु का है ये, दूध मिठाई है ये। श्री विल पुथुर पल कोवा तिरुभुवनम सिल्क की साड़ी है तमिलनाडु की। जरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का है ये। सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुर दाल कर्नाटक की है ये। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश का है, इसे जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद आता है इरोड हल्दी तमिलनाडु की है ये। कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक की है। वायनाड रोबस्टा कॉफी केरल की है। चिक मंगलूर अरेबिका कॉफी कर्नाटक की है ये। अराकू वैली अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश व ओडिशा की है। बाबू बूदनगिरी अरेबिका कॉफी कर्नाटक की है। इसके बाद आता है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात की है। डले खुर्सीनी मशहूर मिर्च है ये सिक्किम की। सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है, जीआई टैग मिला है इसे। शाही लीची बिहार फल है या जीआई टैग मिला है। अल्फोंसो आम महाराष्ट्र का है ये। जरदालू आम कतरनी चावल बिहार का है, जीआई टैग मिला है। बोका सोल चावल और तेजपुरी लीची असम का है ये। कड़कनाथ मुर्गा काफी न्यूज में रहता है, पूछा जा सकता है, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अदिलाबाद ध्रोका तेलंगाना का है ये। घंटी ताल शिल्प है ये। पहला जीआई टैग भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004
पांच को दिया गया है, इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक के लिए मान्य होता है। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो वह 10 वर्षों तक मान्य रहेगा और इससे ये होगा कि वह वस्तु 10 वर्षों तक विख्यात रहेगी, कि उसे डीआई टैग मिलने से वह प्रसिद्ध हो जाती है। उसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे वो उत्पादित की जाती है मूलभूत, वह वहीं की मानी जाएगी, उसे और कोई भी उत्पादित उत्पादन उसका नहीं कर सकता। यदि आपको जानना है और कोई अन्य देश या अन्य किसी प्रदेश के लोग, अगर मान लीजिए कड़कनाथ मुर्गा है तो कोई असम के लोग ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है, वो मुर्गा सिर्फ मध्य प्रदेश का ही माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है जीआई टैग। अब हम देख लेते हैं 2020-21 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं। पिनाकी चंद्र घोष, ये हैं देश के पहले लोकपाल। नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। विंकेश गुलाटी, अध्यक्ष हैं FADA के। सुभाष कश्यप, अध्यक्ष हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के। परेश रावल, चेयरमैन हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। TS तिरुपति, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। TS तिरुमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र UN में, यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है ये। इसके बाद है अनिल धस्माना, प्रमुख है ये कहाँ के, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के। MA गणपति, ये महानिदेशक हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। विशाल वी शर्मा, ये हैं यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। रोहन जेटली, अध्यक्ष हैं दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के। दुर्तेते पचेको, ये अध्यक्ष हैं अंतर संसदीय संघ IPU के। ले जनरल हरपाल सिंह, इंजीनियर इन चीफ हैं भारतीय सेना के। राजीव चौधरी, ये महानिदेशक हैं सीमा सड़क संगठन के। जो भी सीमा बॉर्डर पे जो सड़कें बनाई जाती हैं उनके महानिदेशक हैं ये राजीव चौधरी। नीतू डेविड, अध्यक्ष हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम चयन समिति के। चेतन शर्मा, ये अध्यक्ष हैं BCCI चयन समिति के। राजीव शुक्ला, उपाध्यक्ष हैं BCCI के। सुनीत शर्मा, अध्यक्ष एवं CEO हैं रेलवे बोर्ड के। सोमा मंडल, पहली महिला चेयरपर्सन हैं सेल की। ले जा शांतनु दयाल, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये। PM नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं हमारे। विश्ववीर आहूजा, प्रमुख हैं RBL बैंक के। चंडी प्रसाद मोहंती, 22वें उप सेना के प्रमुख हैं। राजीव लोचन, MD हैं सुंदरम फाइनेंस के। रितेश तिवारी, CFO हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के। रामा मोहन राव अमारा, MD एवं CEO हैं कहाँ के, SBI कार्ड के। RS शर्मा, ये हैं CEO आयुष्मान भारत योजना के। SN सुब्रमण्यम, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के। मार्क लिस्टोसेला, MD व CEO हैं टाटा मोटर्स के। सतीश्वर बालाकृष्णन, CEO हैं एगोन लाइफ के। विजय सांपला, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। जयदीप भटनागर, ये हैं महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो के। कुलदीप सिंह, महानिदेशक हैं CRPF के। तरुण बजाज, राजस्व सचिव हैं। अरुण कुमार सिंह, मुख्य सचिव बिहार राज्य के हैं। अजेंद्र बहादुर सिंह, प्रमुख हैं पूर्वी नौसेना कमान के। MG चार्ज, ये अध्यक्ष हैं मुथू ग्रुप के। दत्तात्रेय होसा भले, महासचिव हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के। MA गणपति, ये महानिदेशक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के। संजीव कुमार, अध्यक्ष हैं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के। सौरभ कर, CEO हैं UIDAI के। आतिश चंद्र, ये CMD हैं भारतीय खाद्य नियम FCI के। मुखमित एस भाटिया, महानिदेशक हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के। अब हम देख लेते हैं 2020-21 में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं। गीता गोपीनाथ हैं ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में। कार्मेन रीनहार्ट, विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री हैं ये। अंशुला कांत, मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के। डॉक्टर निगार जोहर, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान की। लुइस अर्थ राष्ट्रपति हैं बोविलिया की।
राम कलावन राष्ट्रपति हैं सेसेल्स के, अल्फा कांडे राष्ट्रपति हैं गिनी के, जो बाइडन राष्ट्रपति अमेरिका के कौन से नंबर के हैं 46 में, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी हैं ये, फ्रांसको सगास्ती राष्ट्रपति हैं पेरू के, माइया सैंडू राष्ट्रपति हैं मालडोवा के, हुसैन इब्राहिम ताहा महासचिव हैं इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के, अल खालिद अल सबाह प्रधानमंत्री हैं कुवैत के, नाना अकुफो एडो राष्ट्रपति हैं ये घाना के, अनिल सोनी WHO फेडरेशन का पहला CEO बने हैं, सादिर जापारोवा राष्ट्रपति हैं किर्गिस्तान के, नजहत समीम खान अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के, यावेरी मुसेवेनी राष्ट्रपति हैं युगांडा के, फॉस्टिन आर्चिस तोडेरा राष्ट्रपति हैं अफ्रीकी गणराज्य के, भाव्या लाल कार्यवाहक प्रमुख हैं नासा के, काजा कलास पहली महिला प्रधानमंत्री हैं एस्टोनिया की, मार्केलो रेबेला डिसूजा राष्ट्रपति हैं ये पुर्तगाल की, मारियो द्रगही राष्ट्रपति हैं इटली के, निगुयेन फू त्रोंग राष्ट्रपति हैं वियतनाम के, इराकली गरीब सविली प्रधानमंत्री हैं जार्दिया के, मोहम्मद बाजाओ राष्ट्रपति नाइजर के हैं, माइकल ब्लूबर्ग जलवायु राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र के, हेनरी मोनिच ये कौन है मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं कहाँ के फेसबुक के, सामा लुकोंडो क्योगो प्रधानमंत्री हैं ये कांगो गणराज्य के, विक्रम सिंह बेदी प्रबंध निदेशक हैं गूगल क्लाउड के, डॉक्टर अजय माथुर महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है ये भारत में है, भारत में कहाँ है गुरुग्राम हरियाणा में है, अजय मल्होत्रा अध्यक्ष हैं UNHRC सलाहकार समिति के, गौतम ठाकर OLX आटोस ग्लोबल CEO हैं, प्रीति सिन्हा कौन है अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की, अब्दुल दबीला दबीबा अब्दुल हमीद दबीला ये हैं प्रधानमंत्री लीबिया के, जोन लपोर्टा राष्ट्रपति हैं बार्सिलोना के, हामिद बकायोको राष्ट्रपति हैं आइवरी कोस्ट के, अजय माथुर ये महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, अजय माथुर मेरी कॉरलैंड अटॉर्नी जनरल हैं अमेरिका के, सामिया सुलहु पहली महिला राष्ट्रपति हैं तंजानिया की, ससो नगेसो राष्ट्रपति हैं कांगो के, इग्नेस कैलमर्ड महासचिव हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के। अब हम देख लेते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21 में इसमें क्या क्या दिया गया है, भारत और विश्व में प्रथम कौन कौन से रहे हैं 2020 और 21 में, भारत का पहला अपंग क्लिनिक, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है चंडीगढ़ में, भारत का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में है, भारत का पहला जेंडर पार्क ये कहाँ है कोझिकोड केरल में है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत हैं, नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में हुई है, देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया है उत्तर प्रदेश में, COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन रहे हैं मनीष कुमार, नेक्स्ट है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है, भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क ये कुफरी शिमला में है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन रही हैं कौन है पूजा देवी, भारत का सबसे युवा मेयर आर्य राजेंद्रन केरल के हैं ये, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में है, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में है, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज ये राजगीर में है, भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में है, LIC का पहला डिजिटल ऐप ये है आनंदा,
छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? मैसूर, कर्नाटक में। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक अभिजीता गुप्ता हैं। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर में है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन हैं। नेक्स्ट है, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? मिक रेडवुड है। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हरप्रीत एडी सिंह हैं। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात में हुई है। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर यह कौन सा है? अरहम ओम तलसानिया। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में खोला गया है, जोगी खोपा में। राष्ट्रीय कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम बना है। नेक्स्ट है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की मिंटी अग्रवाल हैं। ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M. वीरा लक्ष्मी हैं। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई थी? छत्तीसगढ़ में किया गया था। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजेलिस में है, US में है। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश लग्जमबर्ग यूरोप में है। COVID-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब में है। भारत का पहला COVID-19 अस्पताल खोला गया है कहाँ पर? मुंबई में। भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट आरोही पंडित है, मुंबई की। G6 उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश चीन है। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर बिहार में खोला गया है। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू की गई कहाँ पर? दिल्ली में शुरू की गई है। भारत का पहला वॉटर पार्क स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। Formula 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जेहान दारूवाला बने हैं। हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य गोवा है। नई राष्ट्रीय नीति लागू करने 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया? दिल्ली में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। COVID-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना था। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया? असम में। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा अनंतपुर आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अब हम देख लेते हैं भारत के उच्च न्यायालय के बारे में। इस तरफ यहाँ पर उच्च न्यायालय दिया गया है, इसके बाद स्थापना वर्ष है, मुख्य पीठ कहाँ कहाँ है, खंडपीठ कहाँ है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कितनी है और मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से हैं, तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। मुख्य पीठ इसकी कोलकाता में है और इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर और यह पश्चिम बंगाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? TBN राधाकृष्णन।
दूसरा है बॉम्बे उच्च न्यायालय, 1862 में इसकी स्थापना की गई। मुंबई में इसकी मुख्य पीठ है, नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद, यहाँ पर इसकी खंडपीठ स्थापित की गई है। और इसके अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव आते हैं। और इसके मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय, 1862 में इसकी भी स्थापना की गई। तो ध्यान रखना है 1862 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय, इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई थी। तो हम देख रहे हैं मद्रास उच्च न्यायालय, इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है? चेन्नई में। खंडपीठ है मदुरै में। और इसकी राज्य क्षेत्र की अधिकारिता कहाँ कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव बनर्जी। चौथा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1866 में इसकी स्थापना की गई। प्रयागराज में मुख्य पीठ है, लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। और यह उत्तर प्रदेश, इसके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और इसके प्रेजेंट टाइम में न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। चौथा है कर्नाटक उच्च न्यायालय, 1884 में स्थापना हुई। बंगलुरु में मुख्य पीठ है इसकी। धारवाड़ और गुलबर्ग इसके खंडपीठ में है, धारवाड़ और गुलबर्ग में इसकी खंडपीठ है। और इसके अंतर्गत कर्नाटक का पूरा क्षेत्र आता है। अब है श्रीनिवास ओका, मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के। छठा है पटना उच्च न्यायालय, 1916 में स्थापना की गई। पटना में मुख्य पीठ है इसकी, कोई भी खंडपीठ नहीं है, बिहार क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। इसके बाद आता है गौहाटी उच्च न्यायालय, 1948 में स्थापना की गई। गुवाहाटी में इसकी खंडपीठ है, गुवाहाटी में इसकी मुख्य पीठ है। और इसकी खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। गौहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ गुवाहाटी में है, खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। सुंधालु धूलिया यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश हैं। आठवां है उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक में इसकी मुख्य पीठ है, इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है उड़ीसा मुख्य न्यायालय की। उड़ीसा इसके अंतर्गत पूरा क्षेत्र आता है। एस मुरलीधर इसके न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, 1950 में स्थापना की गई। जोधपुर में मुख्य पीठ है, जयपुर में खंडपीठ है। राजस्थान क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। इंद्रजीत मोहंती इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसकी स्थापना कब की गई? 1957 में। श्रीनगर और जम्मू यहाँ पर इसकी मुख्य पीठ है और इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र आता है। पंकज मिथल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, 1956 में स्थापना की गई। जबलपुर में मुख्य पीठ है, ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठ स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र आता है। संजय यादव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद आता है केरल उच्च न्यायालय, 1956 में इसकी स्थापना की गई। कोच्चि में मुख्य पीठ है, इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। केरल और लक्षद्वीप में इसके क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। केरल और लक्षद्वीप, कोच्चि याद रखना है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आता है। एस मणि कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय, 1960 में स्थापना की गई। अहमदाबाद में मुख्य पीठ है, कोई भी खंडपीठ नहीं है गुजरात मुख्य न्यायालय की, उच्च न्यायालय की। गुजरात क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं विक्रम नाथ। दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, कोई भी खंडपीठ नहीं है। एनसीटी दिल्ली इसके अंदर का क्षेत्र आता है। इतना ये धीरू भाई नाना भाई पटेल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, 1966 में स्थापना की गई। चंडीगढ़ में इसका मुख्य मुख्य न्यायालय है और इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ इसके क्षेत्र में आते हैं। और रवि शंकर झा यहाँ के यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश आता है, उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, ये 1971 में स्थापित किया गया। शिमला में इसकी मुख्य पीठ है, कोई भी खंडपीठ नहीं है। हिमाचल क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और लिंगम्पा नारायण स्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं।
इसके बाद आता है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापना की गई गंगटोक में इसके मुख्य पीठ है। कोई भी खंडपीठ नहीं है। सिक्किम क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जितेंद्र कुमार महेश्वरी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना की गई। बिलासपुर में इसकी खंडपीठ, बिलासपुर में इसका मुख्य न्यायालय है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना की गई। बिलासपुर में इसकी मुख्य पीठ है। कोई भी खंडपीठ नहीं है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। पी आर रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद आता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना की गई। नैनीताल में मुख्य पीठ है। कोई भी खंडपीठ नहीं है। उत्तराखंड क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना की गई। रांची में इसकी मुख्य पीठ है। कोई भी खंडपीठ नहीं है। झारखंड क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में स्थापना की गई। शिलांग में मुख्य पीठ है। कोई भी खंडपीठ नहीं है। मेघालय इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और विश्वनाथ सोमादेर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित की गया। इम्फाल में इसकी मुख्य पीठ है। कोई भी खंडपीठ नहीं है। मणिपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। पीवी संजय कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद है त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में स्थापना की गई। अगरतला मुख्य पीठ, कोई खंडपीठ नहीं। त्रिपुरा क्षेत्र आता है। अब्दुल हामिद कुरैसी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में स्थापना की गई। हैदराबाद मुख्य पीठ है। तेलंगाना क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। हेमा कोहली कोहली यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। 25वां है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में स्थापना की गई। अमरावती में मुख्य पीठ है। कोई भी खंडपीठ नहीं है। आंध्र प्रदेश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अरूप के गोस्वामी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नोट के करके यहाँ पे कुछ दिया गया है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। तो टोटल कितने उच्च न्यायालय है इस समय? 25। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कौन कौन से? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है। 2019 में अमरावती में स्थापित किया है। तो नवीनतम कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 25वां है। तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, आप ये याद रख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है ये कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्र उनके राज्य से ज्यादा क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। तो कोलकाता के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल तो इसके अंतर्गत आता ही है क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी ये उच्च न्यायालय है। तो इसके बाद आता है बॉम्बे उच्च न्यायालय। यह बॉम्बे बम्बई यानी महाराष्ट्र का तो है ही। इसके अलावा इसके अंतर्गत गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ये याद रखना है कि इसके अंदर की ये दोनों भी आते हैं। इसके बाद है मद्रास उच्च न्यायालय। इसके अंतर्गत तमिलनाडु और पुदुचेरी ये दो क्षेत्र आते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के अंडर में। इसके बाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सिर्फ उत्तर प्रदेश है। कर्नाटक सिर्फ अकेले ही है। पटना के अंतर्गत बिहार आता है। इसके बाद आता है ये गौहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना की गई। इसके अंतर्गत असम, गुवाहाटी असम में है। असम तो आता ही है। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का भी ये उच्च न्यायालय है। तो ये ध्यान रखना है कितने न्यायालयों को संख्या अपने स्टेट से ज्यादा उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया असम, गुवाहाटी और इसके बाद यहाँ पर मद्रास, 1 2 3 4, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता और गुवाहाटी, ये चार उच्च न्यायालय हो गए। इसके अलावा कौन सा है? ये सभी नहीं है। यहाँ पर ये है चार के बाद 5वां, जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र आते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़, ये आता है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना है कि इतने उच्च न्यायालय अपने जिस राज्य में स्थित है उस राज्य से ज्यादा उनके अंडर में क्षेत्र आते हैं। उस राज्य से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भी वो वहां के केस देखते हैं। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर
इसके बाद अब हम देख लेते हैं राज्यों के राजधानी, राज्यपाल एवं उनके मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसमें पहला है, इस तरफ राज दिया गया है, उसके बाद राजधानी, निर्माण व गठन कब हुआ था, राज्यपाल कौन से हैं और उस प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो ये सभी हम देखेंगे इसमें। इसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर के सभी राज्य पहले हम देख रहे हैं, पूर्वोत्तर के सभी राज्य, अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, 20 फरवरी 1987 में इसका निर्माण किया गया। बी डी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा अगरतला राजधानी है, 21 जनवरी 1972 में स्थापना की गई। रमेश वैस यहाँ के उपराज्यपाल हैं और विप्लव देव मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड कोहिमा राजधानी है, 1 दिसंबर 1963 में स्थापना की गई। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर आता है, इम्फाल राजधानी है, 21 जनवरी 1972 में इसका निर्माण व गठन किया गया। नजमा ए हिपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं और नोक थोम्बस वीरेन सिंह मुख्य न्यायाधीश मुख्य मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। 20 फरवरी 1987 में स्थापना की गई। पी एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और जोर मथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम दिसपुर राजधानी है, 26 जनवरी 1950 में स्थापना किया गया। प्रोफेसर जगदीश मुखी मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय शिलांग में इसकी राजधानी है, 21 जनवरी 1972 में स्थापना किया गया। सत्यपाल मलिक यहाँ के उपराज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं और कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम गंगटोक राजधानी है, 16 मई 1975 में स्थापना की गई। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अब तक हमने देखा पूर्वोत्तर राज्य, अब हम देखते हैं उत्तर भारत राज्य के सभी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। शिमला राजधानी है, 25 जनवरी 1971 में स्थापना की गई। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं, जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड इसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण दोनों है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना की गई। बेबी रानी मौर्या यहाँ की राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल और तीरथ सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब चंडीगढ़ राजधानी है, स्थापना नहीं दी, स्थापना यही होगा 9 नवंबर, स्थापना नहीं है। वीपी सिंह बदनोर यहाँ के यहाँ के राज्यपाल हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद आता है हरियाणा, चंडीगढ़ राजधानी है, 1 नवंबर 1966 को स्थापना किया गया। सत्यदेव नारायण राज्यपाल हैं और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी, 24 जनवरी 1950 को स्थापना। आनंदी बेन पटेल राज्यपाल, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद आता है अब हम पूर्वी भारत के सभी राज्य देख लेते हैं। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आता है। तो बिहार की राजधानी पटना है, 22 मार्च 1912 को स्थापना किए गए। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। झारखंड रांची इसकी राजधानी है, 15 नवंबर 2000 को स्थापना किया गया। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता राजधानी है, 26 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। ओडिशा आता है इसके बाद, अब हम देखते हैं ओडिशा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, 1 अप्रैल 1936 में स्थापना किया गया था। प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं मध्य मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना किया गया। आनंदी बेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं और ये उत्तर प्रदेश के अलावा इनका ये अतिरिक्त भार है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ रायपुर इसकी राजधानी है, 1 नवंबर 2000 में स्थापना किया गया। अनुसुईया उड़के यहाँ की राज्यपाल हैं और भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर 30 मार्च 1949 को स्थापना किया गया। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। गुजरात गांधीनगर राजधानी है। 1 मई 1960 को स्थापना किया गया। श्री आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं और विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र मुंबई राजधानी है। 1 मई 1960 को स्थापना किया गया। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। अब हम देख लेते हैं दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक। बंगलुरु राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना किया गया। बाजू भाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं और बी एस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। गोवा पणजी यहाँ की राजधानी है। 30 मई 1960 को स्थापना किया गया। भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार है इनका, ये भगत सिंह कोश्यारी का, और ये राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। केरल के बारे में राजधानी तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956 को स्थापना किया गया। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं और पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु चेन्नई राजधानी है इसकी। 26 नवंबर 1950 को स्थापना किया गया। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं और के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश अमरावती राजधानी है। 1 अक्टूबर 1953 में स्थापना किया गया। बिश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं और जगमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना हैदराबाद राजधानी है। 2 जून 2014 को स्थापना किया गया। डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन राज्यपाल हैं और के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश के, सभी 8 टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, श्री जम्मू या जम्मू। 31 अक्टूबर 2009 को इसकी स्थापना किया गया। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते। लद्दाख लेह राजधानी है। 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना। राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं। नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं यहाँ के और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी राजधानी है। डॉक्टर तिमिलिसियाई सुंदरराजन उपराज्यपाल हैं, ये वी नारायण स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं। चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को स्थापना किया गया। वी पी सिंह बदनौर यहाँ के प्रशासक हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव राजधानी क्या है इसकी? दमन है। 26 जनवरी 2020 को स्थापना किया गया। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं यहाँ के। इसके बाद आता है लास्ट में लक्षद्वीप कवरत्ती, इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना किया गया। प्रफुल्ल पटेल का ये अतिरिक्त प्रभार है और ये यहाँ के उपराज्यपाल है। अब हम देख लेते हैं नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या है। ये 31 मई 2019 की डेट को जब इसका चुनाव हुआ था तब के ये सभी मंत्री दिए गए हैं। नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद कौन कौन से हैं तो इसमें अब हम देख लेते हैं। तो इसमें कैबिनेट मंत्री पहले देखते हैं हम। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग, अन्य सभी नीतिगत मुद्दे एवं अन्य विभाग इनके अंतर्गत आते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री तथा कारपोरेट मंत्री हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। डी वी सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। पीयूष गोयल ये कौन कौन से हैं? इनका अतिरिक्त भार है ये उपभोक्ता मामले इनके अंतर्गत आते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री, कानून और न्याय मंत्री हैं और तथा ये पंचायती राज मंत्री हैं। इसके बाद आता है रविशंकर कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये। नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं।
थावर चंद्र गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं, ये अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इसके बाद आता है पीयूष गोयल, ये क्या है, रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात के मामले इनके अंतर्गत आते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय मामले कोयला तथा खनन मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। इसके बाद आते हैं गिरिराज सिंह, ये पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। अब हम देख लेते हैं राज्य मंत्री का स्वतंत्र विभाग क्या क्या है। तो इसमें पहला है संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार है इनके अंतर्गत। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना मंत्रालय आता है। किरण रिजिजू अतिरिक्त प्रभार है इनका आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष तथा राज्य रक्षा मंत्रालय इनके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार है। प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष इसके ये राज्य मंत्री हैं। किरण रिजिजू युवा मामले और खेल मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति तथा पर्यटन विभाग का स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। राजकुमार सिंह नवीन ऊर्जा और अच्छे ऊर्जा का स्वतंत्र प्रभार और कौशल विभाग विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरु आवास और शहरी मामले नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार है इनके पास और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। मनसुख एल मंडाविया जहाज रानी मंत्रालय है तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसके बाद देख लेते हैं कुछ राज्य मंत्री। फग्गन सिंह कुलस्ते ये इस्पात राज्य मंत्री हैं। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनके अंतर्गत है। वी के सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कृष्णपाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दानवे राव साहेब दादरा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। साध्वी निरंजन ज्योति विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय। बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। संजीव कुमार बाल्यान पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। धोत्रो संजय सामुआन मानव संसाधन विकास संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर वित्त मंत्रालय तथा कारपोरेट मामले इनके देखते हैं ये। अंगदी सुरेश चंद बसप्पा रेल मंत्रालय। नित्यानंद राव गृह मंत्रालय। रतन लाल कटारिया जल शक्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता। वी मुरलीधरन विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय। रेणुका सिंह सरुता जनजातीय मामले। सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसके बाद है प्रताप चंद्र सारंगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। देवाश्री चौधरी महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख देश कौन कहाँ क्या है। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है पहले देश है उसके बाद राजधानी उसकी मुद्रा संसद राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कौन है अथवा राजा या उनके वहाँ के प्रधानमंत्री और चांसलर कौन कौन से हैं। तो पहला भारत नई दिल्ली,
रुपया। पार्लियामेंट संसद का नाम रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी वहां के पीएम है। बांग्लादेश ढाका राजधानी, टका मुद्रा है। जाति संसद, संसद का नाम है अब्दुल हामिद, राष्ट्रपति शेख हसीना, प्रधानमंत्री या चांसलर है वहाँ की। अफगानिस्तान, काबुल राजधानी है, अफगानी मुद्रा है वहाँ की। शोरा संसद का नाम है अशरफ गनी, वहाँ के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हैं। भूटान, यहाँ की राजधानी है थिम्बू, मुद्रा है न्यूल ट्रम। क्योंडू संसद का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यहाँ के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हैं डॉक्टर लोताय तेसेरिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है पाकिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी है पाकिस्तानी रुपया, मुद्रा का नाम है नेशनल असेंबली, संसद का नाम है आरिफ अलवी, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हैं इमरान खान, मुख्यमंत्री हैं। श्रीलंका, श्री जयवर्धने कोटी, राजधानी है वहाँ की, श्रीलंकाई रुपया है मुद्रा। पार्लियामेंट संसद का नाम है गोताबाया राजपक्षे, राष्ट्रपति हैं और महिंद्र राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है नेपाल, काठमांडू राजधानी है नेपाली रुपया, वहाँ का मुद्रा है राष्ट्रीय पंचायत, संसद का नाम है विद्या देवी भंडारी, राष्ट्रपति हैं और के पी ओली शर्मा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। म्यांमार, नाओ पी ताओ क्यात, मुद्रा है वहाँ की, नाओ पी ताओ वहाँ की राजधानी है, क्यात मुद्रा है। पिथु हल्तो वहाँ की संसद का नाम है और विन मित वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री अभी कोई नहीं है। चीन, बीजिंग राजधानी है रिन मिनवी, वहाँ की मुद्रा का नाम है पीपुल्स कांग्रेस, संसद का नाम है सी जिनपिंग, वहाँ के राष्ट्रपति हैं ली कीकियांग, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मालदीव, माले राजधानी है रुफिया, वहाँ की मुद्रा का नाम रुफिया है और मजलिस, संसद का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूस, मास्को वहाँ की राजधानी है, रूबल मुद्रा का नाम है पीपुल्स कांग्रेस, वहाँ की संसद का नाम है और व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिसुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। सऊदी अरब, रियाद मुद्रा का नाम है रियाद वहाँ की राजधानी है और रियाल मुद्रा का नाम है मजलिस अल सुरा, वहाँ की संसद का नाम है और मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस वहाँ है, वहाँ के राजा या राष्ट्राध्यक्ष। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा है वहाँ की, पार्लियामेंट संसद का नाम है एलिजावेथ सेकेंड, वहाँ की राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष हैं और स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स राजधानी है वहाँ की, अर्जेंटीना पेसो मुद्रा का नाम है नेशनल कांग्रेस, वहाँ की संसद का नाम है और एल्बर्टो फर्नांडिस वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आता है बेल्जियम, ब्रुसेल्स वहाँ की राजधानी है, यूरो मुद्रा का नाम है सीनेट, संसद का नाम है प्रिंस फिलिप वहाँ के राष्ट्रपति हैं और एलेक्जेंडर डी ग्रुप वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, जकार्ता राजधानी है रुपिया, वहाँ की मुद्रा का नाम है जोको विडोडो, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ब्राजीलिया राजधानी है रियल, मुद्रा का नाम है नेशनल कांग्रेस, वहाँ की संसद का नाम है जेयर बोल्सनारो, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कनाडा, ओटावा यहाँ की राजधानी है, कनाडियन डॉलर मुद्रा का नाम है, पार्लियामेंट है और एलिजाबेथ सेकेंड वहाँ की राष्ट्रपति हैं, जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड बेमस्टर्ड वहाँ की राजधानी है और गिल्डर वहाँ की मुद्रा का नाम है मार्क रूट, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है मॉरिशस, पोर्ट लुई वहाँ की राजधानी है, मॉरिशियन रुपया, मुद्रा का नाम है नेशनल असेंबली, वहाँ की संसद है पृथ्वीराज सिंह, वहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रविंद जगन्नाथ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है क्यूबा, हवाना वहाँ की राजधानी है, क्यूबन पेसो मुद्रा का नाम है पीपुल्स पावर, वहाँ की संसद का नाम है और मिगेल
डियाज केनल, मिगे डियाज केनल राष्ट्रपति हैं ये, और ये मैनुअल मुरेरे क्रूज वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है इटली, रोम राजधानी है, यूरो वहां की मुद्रा का नाम है, पार्लियामेंट वहां की संसद का नाम है, सार्जियो मत्ते रेला वहां के राष्ट्रपति हैं, मारियो द्रगही वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है डेनमार्क, कोपिन हेगन वहां की राजधानी है, डेनिस क्रोन मुद्रा का नाम है, फॉल केटिंग वहां की संसद है, और मार्गरेट द्वितीय राष्ट्रपति हैं, मित्ते फ्रेडरिक्सन वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है मिस्र, काहिरा वहां की राजधानी है, इजिप्सियन पाउंड वहां की मुद्रा का नाम है, पीपुल्स असेंबली संसद का नाम है, अब्देह फतेह अल सीसी वहां के राष्ट्रपति हैं, सारिफ इस्माइल वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है स्वीडन, स्टॉकहोम राजधानी है, स्वीडिश क्रोना वहां की मुद्रा है, रिक्स डॉग संसद का नाम है, कार्ल गुस्ताफ एक्स फोर कार्ल गुस्ताफ, और ये 16 लिखा हुआ है, कार्ल गुस्ताफ 16 वहां के राष्ट्रपति हैं, और स्टीफन लोफविन वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है फ्रांस, पेरिस राजधानी है, यूरो मुद्रा है, और इसके अलावा सीएफसी फ्रैंक भी है, नेशनल असेंबली वहां की संसद का नाम है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, जीन कास्टेक्स वहां के प्रधानमंत्री हैं, जर्मनी बर्लिन राजधानी है, यूरो मुद्रा है, बुंडस्टैग वहां की संसद का नाम है, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर ये है वहां के राष्ट्रपति, एंजेला मार्केल वहां की चांसलर है। इसके बाद क्या आता है, ईरान, तेहरान वहां की राजधानी है, रियाल मुद्रा है, मजलिस वहां की संसद का नाम है, और हसन रूहानी वहां के राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इराक बगदाद राजधानी है, ईरानी दीनार वहां की मुद्रा का नाम है, नेशनल असेंबली संसद का नाम है इराक की, बहरम साली वहां के राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष हैं, मुस्तफा अल कौधेमी वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है इजराइल, इस एरूसलम वहां की राजधानी है, न्यू सेकिल मुद्रा का नाम है, द नेटिस नेसेट वहां की संसद का नाम है, रूवेल रिवलिन ये वहां के राष्ट्रपति हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है जापान, टोक्यो राजधानी है, एन मुद्रा है, डायट वहां की संसद का नाम है, आकी सिनो क्राउन प्रिंस है वहां के राजा हैं, और ये सुहिदे सुगा वहां के चांसलर या प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है लेबनान, बेरुत वहां की राजधानी है, लेबनीज पाउंड मुद्रा का नाम है लेबनान की, नेशनल असेंबली वहां की संसद है, माइकल ओन कौन है, राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्रपति हैं, और साद हरीरी वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है दक्षिण कोरिया, सियोल राजधानी है, वॉन वहां की मुद्रा का नाम है, नेशनल असेंबली संसद का नाम है, मून जे ई इन राष्ट्रपति हैं, और चुंग से क्यून ये कौन है वहां के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आता है वियतनाम, हनोई राजधानी है यहाँ की, डोंग मुद्रा है, नेशनल असेंबली संसद का नाम है, न्यू इन फू त्रोम यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और जुआन फुक ये कौन है प्रधानमंत्री या चांसलर है। अमेरिका आता है वाशिंगटन डीसी राजधानी है, डॉलर मुद्रा है, कांग्रेस वहां की संसद का नाम है, जो बाइडन इस समय राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन लंदन की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है, पार्लियामेंट संसद का नाम है, एलिजाबेथ राजा है वहां के या राष्ट्र अध्यक्ष, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं, नार्वे की राजधानी ओस्लो है, नार्वेजियन डॉलर वहां की मुद्रा का नाम है, स्टॉर्टिंग वहां की पार्लियामेंट का नाम है, हेराल्ड वी राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इरना सोलबर्ग वहां की प्रधानमंत्री या चांसलर है। तो स्पीडी करेंट अफेयर में हमने यहाँ पर इतने टॉपिक देख लिए हैं, कौन क्या कहाँ, स्पीडी करेंट अफेयर में हमने कौन कहाँ क्या के अंतर्गत यहाँ पर ये टॉपिक कवर कर लिया है,
भारत के उच्च न्यायाधीश, हमने पूरा कवर कर लिया है उच्च न्यायालय के बारे में। राज्यों की राजधानी, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बारे में हमने देख लिया है। नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल देखा है। विश्व के देश कौन क्या कहाँ, तो इस वीडियो में हमने इतने टॉपिक कवर किए हैं। इसके बाद के जो भी टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।